अरे वाह, रानी चिड़िया तो इतनी जल्दी चली गई। अच्छा हुआ, सोने का हार जल्दी से जल्दी चोरी कर लूँगा मैं। कालू कौवा रानी चिड़िया का सोने का हार चोरी कर लेता है और वहाँ से चला जाता है। ये सारा नज़ारा बुलबुल देख लेती है। अरे मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, जो मैंने सुंदरी कवि को सोने के हार के बारे में बताकर, अब वो कालू कौवा रानी चिड़िया का सोने का हार चोरी करके ले गया। इस सब में मेरी ही गलती है, मुझे कैसे भी करके ये बात रानी चिड़िया को बतानी होगी। मुझे यहीं पर रुकना होगा, जब रानी चिड़िया आएगी मैं सारी बात बता दूंगी रानी चिड़िया को। दूसरी तरफ रानी चिड़िया और सुंदरी कवि दाना खा रहे थे। खाओ रानी चिड़िया, जितना चाहिए उतने दाने खाओ, घर के लिए भी कुछ दाने लेती जाओ। नहीं सुंदरी बहन, बबलू जी गांव जाने से पहले मेरे लिए कुछ दाने लेकर आए हैं, वो दाने एक हफ्ते तक चल जाएंगे। नहीं रानी चिड़िया, तुम कुछ दाने लेकर जाओ, मैं तुम्हारे लिए ही लेकर आई थी दाने, लेकिन मुझे तुम्हें देने के लिए आगे पीछे हो रहा था, इसीलिए मैं तुम्हें घर बुलाकर कुछ दाने खिला रही हूँ। बाकी बचे हुए दाने मैं तुम्हें देकर भेजने ही वाली थी। सुंदरी बहन, आप इतना कह रही हैं तो मैं कुछ दाने लेकर चली जाऊंगी, अभी मैं चलती हूँ, घर पर कोई नहीं है। रानी चिड़िया इतना कहकर कुछ दाने अपने घर को ले जाती है। अरे मैंने तो मेरा काम कर दिया है, लेकिन मेरा पति कालू कौवा अपना काम ठीक से तो किया होगा ना, मेरे लिए एक सोने का हार आ जाएगा, सोचकर ही इतना मजा आ रहा है। अगर मैं वो हार पहनूंगी तो और कितना मजा आएगा मुझे। देखते ही देखते कालू कौवा उस सोने का हार अपने घर ले आता है। सुंदरी तुमने फरमाइश की थी ना सोने का हार, ये ले लो और इसे पहन कर मुझे दिखाओ। नहीं कालू जी, मैं ये हार नहीं पहन सकती, अगर मैंने ये हार पहन लिया और मुझे किसी ने देख लिया तो रानी चिड़िया को पता चल जाएगा कि हम दोनों ने मिलकर हार चुराया है। नहीं नहीं, मैं अभी ये हार पहन नहीं सकती, कुछ दिन होने के बाद मैं इस हार को पहनूंगी। अरे सुंदरी, तू तो बहुत समझदार निकली, मुझे पता नहीं था। और एक बात सुंदरी, इस हार के बारे में तू गलती से भी किसी से भी मत कहना, समझ गई? कालू जी, इस हार की फिक्र तुमसे ज्यादा मुझे है, देखिए ना कितना सुंदर है ये हार। दूसरी वो रानी चिड़िया उड़ते उड़ते अपने घर जा ही रही होती हैं। बुलबुल रानी चिड़िया को देख लेती है। रानी चिड़िया रुक जाओ और मेरे पास आओ। क्या हुआ बुलबुल बहन, आपने मुझे क्यों पुकारा? रानी चिड़िया तुम कहाँ गई थी? बुलबुल बहन, मैं सुंदरी बहन के घर गई थी, सुंदरी बहन ने मुझे दाने खाने के लिए बुलाया था और मैं दाने खाकर कुछ दाने मेरे साथ लेकर आई हूँ। रानी चिड़िया तुम घर का दरवाजा खुला छोड़कर सुंदरी के घर दाने खाने गई थी, तुम्हें पता भी है तुम्हारे साथ क्या हुआ है? क्या हुआ है बुलबुल बहन, बोलिए ना, मुझे डराइएगा मत। रानी चिड़िया तुम्हारे साथ धोखा हुआ है, वो भी धोखा सुंदरी बहन ने तुम्हें दिया है। सुंदरी बहन तुम्हें घर बुलाकर दाने खिलाकर तुम्हारे साथ दो मीठे मीठे बातें बोलकर तुम्हें धोखा दिया है। तुम ना तुम्हारे घर जाओ, जाकर सोने का हार है या नहीं पहले देखो। रानी चिड़िया घर जाकर सोने का हार ढूंढती है, लेकिन रानी चिड़िया को हार नहीं मिलता। मेरा सोने का हार नहीं मिल रहा है, बबलू जी ने मुझे कितने प्यार से दिया था वो सोने का हार, कुछ तो गड़बड़ है,
मुझे बुलबुल बहन से बात करनी होगी। रानी चिड़िया बुलबुल के पास जाती है। बुलबुल बहन, क्या हुआ है, मुझे ठीक ठीक से बताइए। रानी चिड़िया, सुंदरी ने तुम्हें दाना खाने का लालच देकर घर बुलाया था और उसका पति कालू कौवा उसी का फायदा उठाकर तुम्हारे घर के अंदर जाकर सोने का हार चोरी करके ले गया। बुलबुल बहन, सुंदरी बहन ऐसा भी कर सकती है, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। लेकिन सुंदरी बहन को कैसे पता चला कि मेरे पास सोने का हार है? वो रानी चिड़िया, सुंदरी बहन मुझे मिली थी और सुंदरी बहन मुझे ये भी कह रही थी कि सुंदरी बहन सोने का हार बनवा रही है। मैंने सोचा कि जो तुम्हारे पास सोने का हार है ना, उसके बारे में मैंने सुंदरी बहन से कह दिया। लेकिन मुझे पता नहीं था कि सुंदरी बहन और कालू कौवा चोर हैं। उनके बारे में मुझे मेरे पति ने कहा कि कालू कौवा और सुंदरी कौवी चोर हैं। मैं ये बात सुनकर भागी भागी तेरे घर को आई थी। लेकिन मुझसे पहले कालू कौवा तेरे घर के अंदर आ चुका था और हार चोरी करके मेरे सामने ही ले गया। मैंने सारा नजारा देखा रानी चिड़िया, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकी। मुझे माफ कर दो रानी चिड़िया, मुझे माफ कर दो, मुझसे सबसे बड़ी भूल हो गई। बुलबुल बहन, इस सब में आपकी कोई गलती नहीं है। अगर आपको पता होता कि सुंदरी बहन और कालू भैया चोर हैं, तो आप उन्हें कभी नहीं बताती कि मेरे पास सोने का हार है। मगर बुलबुल बहन, वो हार बबलू जी ने बड़े प्यार से दिया था। अगर बबलू जी आकर पूछेंगे तो मैं उन्हें क्या बोलूंगी? सोचकर ही मुझे डर आ रहा है। तुम डरो मत रानी चिड़िया, हम दोनों मिलकर सुंदरी बहन के घर जाएंगे और जो मैंने देखा है वो सारी बात सुंदरी बहन को कहूंगी मैं, और तुम्हारा सोने का हार हम दोनों झगड़ा करके सुंदरी बहन से छीन कर लेकर आएंगे। मगर बुलबुल बहन, अगर वहाँ पर कालू भैया होंगे तो वो हमें मारकर भगा देंगे। मुझे सुंदरी बहन के घर जाने में डर लग रहा है। तुम डरो मत रानी चिड़िया, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। अभी चलो सुंदरी बहन के घर, जो होगा वो देखा जाएगा। फिर वो दोनों उड़ते उड़ते सुंदरी कौवी के घर जाते हैं, लेकिन वहाँ पर कालू कौवा बैठा हुआ था। अरे वो कालू कौवे, मैंने तुम्हें रानी चिड़िया के घर के अंदर जाते हुए और सोने का हार चोरी करते हुए देखा है। तू चुपचाप रानी चिड़िया का हार वापस कर दे, वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। उसी वक्त सुंदरी कौवी भी वहाँ पर आ जाती है। क्या हुआ रानी चिड़िया और बुलबुल, तुम दोनों यहाँ मेरे घर में क्या कर रहे हो? सुंदरी बहन, इतनी भी भोली मत बनो, हमें सब पता चल गया है कि तुम दोनों मियाँ बीवी इस जंगल के सबसे बड़े चोर हो। तुम चुपचाप रानी चिड़िया का सोने का हार वापस कर दो, वरना तुम दोनों को इस जंगल से मार मार कर भगा देंगे हम। रानी चिड़िया, ये बुलबुल जो भी कह रही है ना, वो सारी बातें झूठी हैं। भला मैं ऐसा क्यों करूँगी? ये मेरे ऊपर झूठा आरोप लगा रही है और तुम रानी चिड़िया चुपचाप इसकी सारी बातें सुन रही हो। कुछ बोलो रानी चिड़िया, कुछ बोलो। सुंदरी, मुझे लगता है इस बुलबुल का पति बेवड़ा हो गया है, इसलिए ये पागल हो गई है, पागल। इसलिए ये बुलबुल हमारे घर आकर झगड़ा कर रही है, वो भी सोने के हार के बारे में। हमें तो सोना कैसा होता है वो भी पता नहीं है, लेकिन मुझे ये पता चल गया है कि हमारे जंगल की बुलबुल पागल हो गई है, पागल। कालू जी, आप चुपचाप बैठ जाइए,
पहले ही ये बुलबुल पागल हो गई है। अगर ये बुलबुल जंगल के सारी पक्षियों को जाकर बता देगी तो हमारी नाक कट जाएगी जंगल में। कालू जी आप प्लीज चुप बैठ जाइए। सुंदरी तुम ठीक कह रही हो, इस पागल के मुख कौन लगेगा। बेचारी रानी चिड़िया इसकी बात सच समझकर हमारे घर को आ गई है। पहले ही रानी चिड़िया की घर की हालत खराब हो गई है। मुझे ना रानी चिड़िया का पति बबलू चिड़ा ने सारी बात कही है। सुंदरी बहन प्लीज मेरा सोने का हार मुझे वापस कर दो। कालू भैया ने मेरे घर से चुरा कर तुम्हारे घर लेकर आए हैं। प्लीज सुंदरी बहन मेरा हार मुझे लौटा दो। वो सोने का हार मेरी प्रेम की निशानी है। रानी चिड़िया तुम्हें एक बार बोलने से समझ में नहीं आता। बार बार मुझे बोलने की आदत नहीं है। अभी तुम दोनों यहाँ से चले जाओ। सुंदरी बहन और कालू कौवे मैंने सब मेरी आँखों से देखा है। मैं सारे जंगल के पक्षियों को कह दूंगी कि आप दोनों चोर हैं चोर, और आपको इस जंगल से भगा कर ही रहूंगी। इतना कहकर बुलबुल और रानी चिड़िया वहाँ से चले जाते हैं। बुलबुल और रानी चिड़िया की बातें सुनकर कालू कौवा सुंदरी कौवे से कहता है, सुंदरी मैंने तो सोचा था कि मुझे कोई नहीं देखा चोरी करते, लेकिन ये बुलबुल मुझे चोरी करते हुए मुझे देख चुकी है। अभी इसको हमारे जंगल से भगाना होगा, वरना ये सारे जंगल में ये बात फैला देगी। नहीं कालू जी, हम इस बुलबुल को जंगल से नहीं भगा सकते, क्योंकि बुलबुल बहुत गरीब है। जंगल के सभी पक्षियाँ बुलबुल के साथ हैं। अभी हमको चुप बैठना होगा। अगर हमें कोई आकर कहेगा तो हम उन्हें बता देंगे कि बुलबुल पागल हो गई है। दूसरी ओर रानी चिड़िया और बुलबुल एक डाली पर बैठकर बातें करने लगते हैं। बुलबुल बहन अब मैं मेरा सोने का हार इन कौवों से कैसे लूंगी। हाँ रानी चिड़िया, ये कौवे बहुत शातिर हैं। इनसे हार छीनना नामुमकिन लग रहा है। अब मेरे पति को मैं क्या कहूंगी बुलबुल बहन। पहले ही घर की हालत बहुत खराब है। अगर वो आकर पूछेंगे तो मैं क्या कहूंगी उन्हें। मैं क्या जवाब दूंगी उन्हें। मुझे सोच कर ही डर आ रहा है। रानी चिड़िया, बबलू भैया दूसरे जंगल से आ गए ना। हम बबलू भैया को सारी बात बताएंगे। तुम देखना, बबलू भैया तुम पर गुस्सा नहीं करेंगे और तुम्हें डांटेंगे भी नहीं। अब मैं चलती हूँ, तुम भी अपने घर चली जाओ। जब बबलू भैया आएंगे ना तो तुम मुझे बुलाने आ जाना। इतना कहकर रानी चिड़िया और बुलबुल अपने अपने घर चले जाते हैं। दूसरी ओर बबलू चिड़ा उड़ते उड़ते सुंदरवन जंगल पहुंच जाता है। सुंदरवन जंगल में बबलू को तोता मिल जाता है। तोते भैया, यहाँ पर कालिया नाम का कौवा मुझे कहाँ मिलेगा। आप कौन हो? आप कालिया को क्यों ढूंढ रहे हो? क्या कालिया ने कुछ गलत काम कर दिया? बोलिए। नहीं नहीं, कालिया ने कोई गलत काम नहीं किया है। मैं दूसरे जंगल का हूँ। मुझे कालिया का दोस्त कालू कौवे ने भेजा है, और मुझे कालिया का दोस्त कालू कौवे ने ये भी कहा है कि कालिया के पास काम खाली है, इसलिए मैं सुंदरवन जंगल आ गया हूँ। कालिया के पास काम खाली है? मैंने तो पहली बार सुना है। देखिए जी, आप ऐसे ही सीधा जाइए, वहाँ पर एक टूटा फूटा घर होगा, उसमें ही कालिया रहता है। तोता पता बताते ही बबलू चिड़ा उस दिशा के ओर उड़ जाता है। उस कालिया को ये चिड़ा क्यों ढूंढ रहा है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पहले ही कालिया एक बड़ा चोर है, और उस चोर को ढूंढने एक चिड़ा आया हुआ है। शायद ये भी चोर होगा। बबलू चिड़ा कालिया के पास पहुँच जाता है। यहाँ पर कालिया नाम का कौवा आप ही हो? हाँ मैं हूँ कालिया, और इस जंगल का भी कालिया। मुझे कालू कौवे ने भेजा है, और उन्होंने मुझे ये भी कहा है कि आपके पास काम खाली है। क्या आप वो काम मुझे दे सकते हो?
कालिया मन ही मन सोचता है, अरे मैं एक चोर हूँ, मेरे पास काम कहाँ खाली है। हाँ, ये हमारा कालू कौवा कुछ बड़ा ही हाथ मारने वाला है, इसलिए इसे मेरे पास भेजा है। मुझे कालू कौवे की मदद करनी होगी, वरना हमारा कालू कौवा मुझ पर गुस्सा हो जाएगा। इसे कैसे भी करके एक दिन फालतू घुमाना होगा। हाँ, मेरे पास काम खाली है, तुम्हें कितनी तनख्वाह चाहिए बोलो। लेकिन कालिया जी, मुझे क्या काम करना होगा पहले आप बोलिए। अरे उतना बड़ा काम नहीं है, तुम एक काम करना, तुम मेरे साथ अभी आ जाना, मैं जाकर दिखा देता हूँ कि तुम्हें क्या काम करना होगा। कालिया बबलू चिड़ा को लेकर जंगल जंगल घूमने लग जाता है और घूमते घूमते शाम भी हो जाती है। कालिया जी, हम जंगल जंगल घूम रहे हैं, मेरा क्या काम है बोलिए कालिया जी। जंगल जंगल उड़ते उड़ते मेरे पंख में दर्द हो रहा है, जल्दी से मेरा क्या काम है बोलिए। वहाँ पर तुम्हें एक सामने घर दिखाई दे रहा है ना, आज रात को तुम्हें उस घर के अंदर जाना होगा, वहाँ के पक्षियों को मार कर भगाना होगा और उस घर के सामान चोरी करने होंगे तुम्हें। ये है तुम्हारा काम। चोरी करना? नहीं नहीं, ये मेरे हाथ से नहीं होगा, मैं चोर नहीं हूँ, मैं एक ईमानदार बबलू चिड़ा हूँ। तुम चोर नहीं हो? मैंने तो सोचा था कि तुम चोर हो। मुझे कालू कौवे से बात करनी होगी, क्योंकि कालू कौवा भी एक चोर है और मैं भी उसका दोस्त हूँ, मैं उससे से भी बड़ा चोर हूँ। ये बात मुझे पता है, कालू कौवा चोर है, लेकिन मैं चोर नहीं हूँ, मेरे साथ कालू कौवे ने धोखा किया है। मैं हमारे जंगल जाकर उसको सबक सिखाऊंगा। अगर तुमने हमारे कालू कौवे को कुछ किया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा चिड़ा। तुम मुझे नहीं जानते, मैं एक बदमाश कौवा हूँ, मुझे 10 जंगल की पुलिस ढूंढ रही है। आई बात तेरे समझ में? अब भाग यहाँ से। कालिया की धमकी सुनकर बबलू चिड़ा डर जाता है और बबलू चिड़ा सुंदरवन जंगल छोड़कर भाग जाता है। बबलू चिड़ा उड़ते उड़ते अपने घर आ जाता है। रानी चिड़िया, कालू कौवे ने मेरे साथ धोखा किया है, मैंने कालू कौवे से पहले ही कह दिया था कि मैं चोरी नहीं करूँगा, फिर भी कालू कौवे ने मुझे दूसरे जंगल भेजा था काम के सिलसिले में, लेकिन वहाँ पर तो मुझे चोरी करने का काम मिल गया, मैं वहाँ से वापस आ गया रानी चिड़िया। बबलू जी, हमारे साथ धोखा हुआ है, सुंदरी बहन और कालू भैया ने किया है हमारे साथ धोखा। और रानी चिड़िया जो कुछ हुआ है सारी बात बबलू चिड़े को बताने लग जाती है। रानी चिड़िया बुलबुल को अपने घर बुलाने के लिए उड़ जाती है। थोड़ी ही देर में रानी चिड़िया बुलबुल को अपने साथ अपने घर ले आती है। बुलबुल भी सारी बातें बबलू चिड़े को बता देती है। इतना बड़ा धोखा, वो भी हमारे साथ, उस कालू कौवे को तो मैं मार डालूंगा। नहीं बबलू जी, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे, हम भी कालू कौवे को लालच देंगे। लालच देकर उस कालू कौवे को और उसकी पत्नी को उनके ही घर से दूर कर देंगे। अगर वो अपने घर में नहीं रहेंगे तो मैं उनके घर के अंदर जाऊंगी और मेरा हार मैं ढूंढ कर ले आऊंगी। ठीक है रानी चिड़िया, हम तीनों मिलकर उस कालू कौवे के घर के पास जाएंगे। मैं कालू कौवे के घर के अंदर जाऊंगा और उसे एक झूठी कहानी कहूंगा। वो दोनों अपने घर से बाहर आएंगे, उन दोनों को लेकर मैं बहुत दूर चला जाऊंगा और तुम अपना काम कर देना रानी चिड़िया और बुलबुल। फिर बबलू चिड़ा कालू कौवे के घर के अंदर चला जाता है। तीनों उड़ते उड़ते कालू कौवे के घर के पास आते हैं। कालू भैया, कालू भैया, मुझे कालिया जी ने भेजा है आपको सुंदरवन जंगल लेके आने के लिए। क्या हुआ बबलू, कालिया ने हमें इतने अर्जेंट में क्यों बुलाया है? सुंदरवन जंगल में एक सोने का भंडार मिल गया है, यानी कि एक सोने का कुआं। वहाँ पर ढेर सारा सोना है, इतना सारा सोना कालिया और मैं नहीं लेकर आ सकते, इसलिए आपको सुंदरवन जंगल बुलाया है कालिया जी ने। जो भी सोना मिलेगा वो कालिया और आप दोनों आधा आधा बांट लेना। सुंदरी जल्दी चलो, हमें ढेर सारा सोना लाने जाना है।
कालू जी, हमारे घर में एक सोने का हार है, वो भी मैं अपने साथ लेकर आऊं? अरे अक्कल की अंधी, वहाँ पर ढेर सारा सोना है और तुम एक सोने की हार की फिक्र कर रही हो। ये हार इधर ही छोड़ दो, हम जाकर ढेर सारा सोना लेकर आएंगे। अब जल्दी जल्दी चलो चलो बबलू चलो, हम तीनों मिलकर सोना लेकर आते हैं। नहीं कालू और सुंदरी, मुझे कालिया जी ने और एक काम दिया है, मुझे ढेर सारे थैलियाँ लेकर आना होगा। अब तुम दोनों सुंदर वन जंगल चले जाओ, मैं थैला लेकर आ जाऊंगा वहीं पर। कालू और सुंदरी उड़ते उड़ते सुंदर वन जंगल चले जाते हैं। तभी रानी चिड़िया और बुलबुल कालू कौवे के घर के अंदर आ जाते हैं और सोने का हार ढूंढने लग जाते हैं। थोड़ी ही देर में रानी चिड़िया को अपना सोने का हार मिल जाता है और वो तीनों उड़ते उड़ते वहाँ से चले जाते हैं। रानी चिड़िया, मैंने कहा था ना तुम्हें, तुम्हारा हार कालू कौवे ने ही चोरी किया था। देखा तुमने, तुम्हारा हार उसी के घर से मिला है। मैं आइंदा किसी और के बारे में या फिर किसी और के चीज के बारे में किसी को भी नहीं कहूंगी। मुझे सबक मिल गया है रानी चिड़िया, अभी मैं चलती हूँ। इस तरह से रानी चिड़िया को अपना सोने का हार मिल जाता है।